Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our mathematics subject of class 2nd. Now open your book students. Dear students, today we are studying exercise 10.1 which is on page number 50. Question number 3 hum kar rahe hain students. A, B, C part has been completed. Now let's start D part. 10 coins of 20 paise. Matlab 20 paise ke 10 sikke hain. एंड 10 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे यानी 10 सिक्के हैं 10 पैसे के तो यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया और 100 पैसे का मतलब क्या हुआ 1 रुपये और 20 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 20 को 10 से गुणा किया मल्टीप्लाई किया तो 200 आया यानी 200 पैसे ठीक है तो 200 पैसे क्या हुआ 2 रुपये रुपीज़ 2 ओके स्टूडेंट्स तो 2 प्लस 1 रुपीज़ 2 प्लस रुपीज़ 1 इज इक्वल टू रुपीज़ 3 क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं 6 कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 यानी 6 सिक्के हैं 5 रुपये के ठीक है एंड प्लस 7 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे यानी 7 सिक्के हैं 50 पैसे के जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर बताया था 7 सिक्के 50 पैसे कितने हुए रुपीज़ 3 50 पैसे और ये है 30 तो 30 में हम 3 प्लस करेंगे यह आया ठीक है तो ये क्या हुआ 30 रुपीज़ और 50 पैसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है रुपीज़ 33 प्लस 50 पैसे क्वेश्चन नंबर एफ 7 कॉइन्स ऑफ 5 प्लस 9 कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 1 वही 7 सिक्के हैं 5 रुपये के तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 35 ओके स्टूडेंट्स देखिए और 9 सिक्के हैं 1 रुपये के यानी 9 रुपये तो 9 रुपये को 35 रुपये से प्लस किया तो क्या आया आंसर 44 यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए रुपीज़ 44 अगला क्वेश्चन 8 कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 8 सिक्के हैं 5 रुपये के यानी 40 रुपीज़ और 12 सिक्के हैं 2 रुपये के तो 12 × 2 इजिकल टू 24 तो 20 रुपीज़ को 40 से प्लस किया आंसर आया रुपीज़ 64 5 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़ 10 मतलब 5 सिक्के हैं 10 रुपये के तो कितने हुए ठीक है 50 और 6 सिक्के हैं 5 रुपये के तो 6 × 5 इजिकल टू 30 तो 30 प्लस 50 इज इक्वल टू रुपीज़ 80 तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे ओके बाय स्टूडेंट्स आप आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना और लास्ट में कमेंट करना ज़रूर ओके स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे थैंक यू ऑल ऑफ़ यू